हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं अनिल आपको ग्रेट करियर कैंपस से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए मेटल और नॉन मेटल का पार्ट टू लेकर के आया हूं और आज मैं आपको बहुत ही बेहतर तरीके से और आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा और एक वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा हर रिएक्शन को। थ्योरेटिकली तो समझाऊंगा ही, लेकिन उससे साथ प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा कि प्रैक्टिकल वे में इसके कैसे लर्न करते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहें और आपके इसके हम तीन रिएक्शन की बात करेंगे, ठीक है। मेटल का जो पहला रिएक्शन होगा वो एयर के साथ होगा यानी ऑक्सीजन के साथ होगा, जो दूसरा है वो एसिड के साथ होगा, तीसरा है वो वाटर के साथ होगा। तो पहला हम लोग बात करेंगे और आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे अभी कि यहाँ पे आ गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि धातु का दहन वायु में यानी कि बर्निंग ऑफ मेटल इन एयर, इसके हम रिएक्शन की बात करेंगे और सबसे पहले हम समझते हैं कि इसमें होता क्या है, उसके बाद आपको जो समझाता हूँ, ठीक है। लगभग सभी धातु ऑक्सीजन के साथ संयोग करके धातु ऑक्साइड बनाती है, यानी कि बच्चों जितने भी धातु होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, यानी यहाँ सहयोग नहीं होगा संयोग होगा, यानी संयोग का मतलब जुड़ना एडिशन, संयोग करके धातु ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। किसे निर्माण करते हैं? धातु ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। जब धातु ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, लेकिन अधिकांश उस धातु क्या होते हैं, धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, यानी कि उसकी जैसे धातु ऑक्साइड बनते हैं उसका जो नेचर हो जाता है वो क्षारीय, यहाँ गलत लिखा हुआ छंजो विशाल अच्छा होगा, तो वहां पे ये क्षारीय बेस बन जाता है। और आपको पता है कि जब बेस में लिटमस पत्र डाला जाता है यानी ब्लू रेड लिटमस पत्र डाला जाता है तो उसे कलर कैसा करता है, नीला कर देता है, यानी कि ये आपने को मैं एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर में पढ़ा चुका हूं। अगर आप इसके पहले नहीं पढ़े तो एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर पूरे कंप्लीट वीडियो डाला हुआ है, आप वहां पर जा करके देख सकते हो, ठीक है। और इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब बात करते हैं सबसे अच्छा धातु है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, धातु ऑक्साइड बनता है। अब इसे आपको मैं समझाता हूं पहला एग्जांपल के मदद से, यानी मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जला देते हैं, जलाने के बाद क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये आप थ्योरेटिकली पढ़ते हैं और पहले भी चैप्टर में आपने पढ़ा था जो रिबन का जो फित्ता होता है यानी कि सॉरी मैग्नीशियम फित्ता होते हैं उसे साफ करते हैं, सरिस पत्र से रगड़ते हैं, उसे जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। वो आपने पढ़ा सिर्फ समझा और आज ज्यादा ज्यादा पिक्चराइज आपने फोन में देखा, लेकिन वीडियो का फोन आपने नहीं देखा। अब आपको मैं वीडियो दिखा रहा हूं तो आप बिल्कुल मेरे साथ बने रहे। डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले आपका यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ये बर्नर है, क्या ये बर्नर है और बर्नर मेरा अभी क्या है, ऑन है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये मेरा टोंग्स है, टोंग्स मतलब चिमटा होता है हिंदी में बच्चों, और ये आपका शायद नहीं देख पा रहे होंगे क्लियर, लेकिन ये जो आपका है वो ग्लास है, ठीक है, जिसपे जलाने के बाद उस पर रखेंगे ताकि आपको मैं दिखाऊंगा। और ये मेरा है रिबन, मैग्नीशियम रिबन यानी मैग्नीशियम का फित्ता है, और आपको मैंने रिएक्शन भी आपके स्क्रीन पे यहाँ पे लिख दिया हूं। और अब आपको मैं इस वीडियो के हेल्प से आपको यानी कि एक यानी प्रैक्टिकली अवे में आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे ये मैग्नीशियम है, उसका मैं तोड़ करके ये ले लिया हूं, ठीक है। अब इसके बाद बर्नर में जलाएंगे और ये ग्लास है और ये मुझे मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त करना है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जब रिएक्शन करता है तो वह एक श्वेत ज्वाला के साथ श्वेत ज्वाला के साथ जलता है और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। किसके निर्माण होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, किसके प्रेजेंट में, इन ऑक्सीजन के प्रेजेंट में। अब क्या करेंगे, चिमटा को ले लिए, चिमटा को लेने के बाद उसे मैग्नीशियम के रिबन ये लंबे हैं तो इसे तोड़ भी सकते हैं और आसानी से टूट भी जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए टूट गया, अब इसे क्या करेंगे, टोंग से यानी कि चिमटे से पकड़ लेंगे और चिमटे से पकड़ने के बाद अब इसे बर्नर में, आप बर्नर जल रहा है आप देख रहे हैं, अब इसे क्या करेंगे, जलाएंगे। और जलाने के बाद आपको बताया था कि श्वेत ज्वाला के साथ ये जलता है जिसे देखना यानी आंखों को चकाचौंध कर देता है। देखिए अभी जलना शुरू हो गया और ये जल रहा है, अब इसे क्या करें, जलते जलते धीरे धीरे ये बुझना शुरू हो जाएगा। अब बुझ गया, अब जो ये बच्चों आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पे यही क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जो देख पा रहे हो यही क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है। ये मेरा मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। तो आप अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से आपको समझा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, ठीक है। और जितने भी अभी लॉकडाउन की स्थिति में जितने भी बच्चे पास सुविधा नहीं है या फिर जिन जो लोग पास
कोई मीडियम नहीं, उनको आप हेल्प करें, आप समझाएं और साथ ही साथ आप नोट आउट भी करते चले जाएं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये बिल्कुल समझ गए होंगे। इसी तरह से बच्चों अब इसको जो रिएक्शन है वो जब कॉपर को वायु को उपस्थिति में गर्म करते हैं तो अभी देखो मैग्नीशियम को मैंने दिखाया उसी से सिमिलरली इसको भी करते हैं, लेकिन सभी को मैं प्रैक्टिकली उसे समझाना दिखाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, बस आपको समझा देता हूँ। एक को मैंने दिखाया, अब यहाँ पे जो कॉपर है कॉपर को ऑक्सीजन के प्रजन में जब हीट करते हैं गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद कॉपर ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले यानी कि जब जलता है यानी कि जब हीट करते हैं तो वो उस पे काले रंग का एक लेयर जम जाता है यानी कि ब्लैक लेयर जम जाता है, काले परत चढ़ जाता है और वो जो होता है वो कॉपर टू का फॉर्मेशन यानी कॉपर टू ऑक्साइड, कॉपर टू के मतलब यहाँ वैलेंसी बच्चों यानी जिसका वैलेंसी कॉपर का दो यहाँ पे है, ठीक है, और वो कॉपर ऑक्साइड का निर्माण करता है, ठीक है, जिसका रिएक्शन नहीं हो जाएगा। इसी तरह से एल्यूमिनियम भी होगा, एल्यूमिनियम को भी रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो ये Al2O3 का निर्माण करता है, ठीक है, जो आप यहाँ पे अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे Al2O3 बनता है। अब यहाँ है नेक्स्ट आपका लिथियम सोडियम पोटासियम। अब यहाँ लिथियम सोडियम और पोटासियम ऐसे हैं बच्चों जो मैंने आपको शुरू में ही बताया था जब फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा था कि ये काफी सॉफ्ट होते हैं, क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और इसका प्रॉपर्टीज ये आपको बता देता हूं कि ये क्या होते हैं, इतने धातु के साथ जो यानी कि वायु के साथ जब ये खुले में रख देते हैं यानी कि लिथियम सोडियम और पोटासियम को जब खुले में रखते हैं तो स्वतः आग लग जाता है, खुद ब खुद आग पकड़ लेती है और ऑक्साइड बनाती है, क्या बनाती है, ऑक्साइड बनाती है। इसलिए आप समझो कि जब ऑक्सीजन यानी कि हवा में के संपर्क में आने के बाद लिथियम सोडियम पोटासियम आग पकड़ लेती है तो इसलिए इसे किरोसिन तेल में क्या किया जाता है, डुबा के रखा जाता है और किरोसिन तेल इसलिए डुबाया जाता है ताकि किरोसिन तेल के साथ ना तो यह अभिक्रिया करती है ना उसमें यह घुलती है, तो इसका रिएक्शन Na+O2 यानी कि Na2O और Ca+O2 यानी CaO का निर्माण करता है, ठीक है, ये अलग रिएक्शन हो गया बच्चों, 1 मिनट। इसी तरह से स्टूडेंट आप यहां सोडियम के साथ रिएक्शन करवा रहे, इसी तरह से आप लिथियम के साथ करवा सकते हैं, पोटासियम के साथ करवा सकते हो। अब इसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि जितने भी धातु ऑक्साइड, अभी तो देखा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम भी क्या है, सॉरी सोडियम भी क्या है, एक धातु है, अब जितने भी धातु के ऑक्साइड बनते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, क्या होते हैं, जल में घुल जाते हैं यानी वाटर सोल्युबल होते हैं, जो वाटर सोल्युबल होते हैं लेकिन उसका जो प्रॉपर्टीज होते हैं यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज वो बोल सकते हैं कि क्षारीय होता है, क्या होता है, नेचर में हुआ उसे प्रकृति रूप में वह क्षार होते हैं, बेस होते हैं और बेस होते हैं, तो अब उसको मैं आपको एक रिएक्शन के माध्यम से दिखाता हूं, जैसे कि Na2O है, ये मेरा सोडियम ऑक्साइड है और सोडियम ऑक्साइड को जब जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो NaO यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण होता है। इसी तरह से K2O यानी पोटासियम को यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, सॉरी पोटासियम को ऑक्सीजन के साथ तो मेरा पोटासियम ऑक्साइड बनता है और पोटासियम ऑक्साइड को जब जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो वो KOH यानी कि पोटासियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। इसी तरह से CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। अब ये बच्चों यहाँ पे अभी आपने क्या देखा कि वो क्या होते हैं, नेचर में क्षार होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी धातु हैं जो अभी यहाँ पे क्या था, नेचर में क्या बताया था मैंने, क्षार यानी कि बेसिक होता है, लेकिन अभी क्या बोल रहा हूं कि कुछ क्षार भी होते हैं और कुछ जो नेचर में क्षारीय तो होते ही है साथ साथ अम्लीय भी होते हैं, उनका रिएक्शन अब देखते हैं आगे। और इसे क्या कहते हैं, कुछ धातु हैं जो ऑक्साइड के प्रकृति अम्लीय और क्षारीय दोनों होते हैं और धातु ऑक्साइड को और ऐसे धातु ऑक्साइड को बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड, क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड, और उसे इंग्लिश में बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। अब इसका रिएक्शन के माध्यम से आपको मैं समझाता हूं, Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसे निर्माण होता है उसके पहले मैं आपको बताया था, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं यानी जब जलाते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। अब उस एल्युमिनियम ऑक्साइड को हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ये HClO3 यानी एल्युमिनियम क्लोराइड का निर्माण होता है और साथ ही साथ जल का निर्माण होता है। इसी तरह से और भी मैंने आप अच्छा ये चीज और बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि दोनों में एक ही चीज है, क्या है, Al2O3 दोनों में है, ठीक है, Al2 दोनों में है, दोनों रिएक्शन में आप देखें तो यहां पर भी है और यहां पर भी है, लेकिन एक में है HCl और एक में है NaOH, जो HCl है वो मेरा एसिड है, NaOH वो मेरा क्या है, बेस है। जब मेरा यहां पे Al2O3 आने की अब एल्युमिनियम ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है, जबकि एल्युमिनियम ऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम एल्युमिनियम
ऑक्साइड का निर्माण करता है। इसी तरह से ZnO का भी होता है एक बार एसिड एक बार बेस के साथ। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप यहां तक बिल्कुल समझ गए होंगे, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट बताता हूं वाटर के साथ इसका रिएक्शन। अब यहां पे आप देख पा रहे होंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, यानी कि मेटल का रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, वाटर के साथ करवाते हैं। और जो वाटर के साथ करवाते हैं तो सबसे पहले इसके कुछ पॉइंट्स हैं उसे जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट है बच्चों कि सभी धातु जितने भी मेटल होते हैं वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, यानी कि सीधा आप समझ गए होंगे कि सभी के सभी जो धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। लेकिन अब कंडीशन है क्या, अब कौन से करते हैं, लेकिन अब जल के साथ नहीं करते तो अब यहां पर समझाते हैं आपको कि कुछ धातु हैं जो जल में यानी कि ठंडे जल के साथ करते हैं, कुछ गर्म जल के साथ करते हैं। और उसमें अच्छा अब गर्म या ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है तो वह धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है, यानी किसी क्या निर्माण करता है, धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जबकि बच्चों धातु भाप के साथ रिएक्शन करवाते हैं, किस भाप के साथ, तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। अब देखो यहाँ पे एक है ऑक्साइड का धातु ऑक्साइड और एक है धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं और हाइड्रोजन के दोनों में निर्माण होता है। तो अब आपको मैं इसका अब ये समझ गए होंगे यहां तक। अब इसको मैं वन एक सेकेंड हाँ अब थोड़ा सा नीचे करता हूं इसे स्क्रीन को। अब पहला आपका रिएक्शन क्या है कि पोटासियम और सोडियम ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है और उसमें उत्सर्जन करती है। बच्चों यहाँ पे क्या लिखे, सोडियम और पोटासियम, मैंने बताया था कि सोडियम और पोटासियम ऐसे हैं जो खुले में स्वतः रखने पे आग पकड़ जाती है, लेकिन अब क्या बोल रहा हूँ कि जब ठंडे जल में से डालते हैं तो काफी तेजी से रिएक्शन करते हैं और उष्मा भी उत्सर्जित करते हैं। अब बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट आपको बता रहा हूँ कि कैल्शियम जो है, जो कैल्शियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया हल्की धीमी करती है, यानी कि जो ये सोडियम जितना तेज से करते हैं उतना तेज से ये नहीं करते, मतलब कि स्लो रिएक्शन करते हैं, स्लो रिएक्शन करता है, लेकिन साथ साथ ये अगर उष्मा को उत्सर्जित करता है तो ये भी क्या करता है, उष्मा का उत्सर्जित करता है। लेकिन जो मैग्नीशियम है वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है लेकिन गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। अब बच्चों यहां एक बात हुआ कि अभी आपने देखा कि सोडियम और पोटासियम ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है, लेकिन एक कैल्शियम है जो ठंडे जल के साथ धीरे से रिएक्शन करती है। अब यहां पे क्या है, नेक्स्ट आपका जो मेटल है मैग्नीशियम, वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है लेकिन गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है और अभिक्रिया करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। तो अब यहाँ मैग्नीशियम को सोलिड फॉर्म में ले लिया, अब हाइड्रोजन H2O है जो हॉट वाटर में अगर डालते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। उसी तरह अब है नेक्स्ट आपका जो एल्युमिनियम आयरन जिंक धातु, ना तो ठंडे जल में ना ही गर्म जल में किसी सतह अभिक्रिया नहीं करती है लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करती है। किसके साथ रिएक्शन करती है, भाप के साथ अभिक्रिया करती है और भाप के साथ अभिक्रिया करके ये धातु के ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस के निर्माण होते हैं। अब मैं बच्चों आपको ये थोड़ा सा लगा हुआ टफ, लेकिन मैं इसे आसान करने के लिए मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से यानी एक आपको प्रैक्टिकल तरीके से आपको मैं समझाता हूं और आप मेरे साथ बने रहे। अब इस प्रैक्टिकल में आप देख रहे हैं ये मेरा बीकर है और इसमें वाटर डाला गया है और ये मेरा ग्लास है जिसमें से अलग अलग हम मेटल लेंगे, जिससे मेटल सेलेक्ट किया होगी सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम और गोल्ड, ठीक है। अब वन बाय वन वाटर से रिएक्शन करवाता कौन करता है और कौन नहीं करता है, जो मैंने अभी थ्योरी बताया उसका अब एक्सप्लेनेशन और वीडियो के साथ आने के अब देखें आपको मजा आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले सोडियम के साथ देखते हैं कि सोडियम के साथ एक कैसे करता है, मैंने बताया कि तेजी से अभिक्रिया करता है, क्या करता नहीं करता देखते हैं। अभी वाटर लिया और इसे टेम्परेचर वाटर का 22 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि आप बोल सकते हो ठंडा पानी, ठीक है। अब जो सोडियम लिया यहां से, अभी सोडियम को लिया यानी कि सभी लेंगे वन बाय वन, तो अब यहां सबसे पहले हम लेंगे सोडियम को और सोडियम को देखिए उठाकर टोंग से डाल दिए, चिमटा से जैसे डाले अब ये फायर लग जाएगा, आग लग गया, आग लगने के बाद धीरे 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 ये पूरा और ये क्या हो एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हो क्योंकि उसमें भी क्या कर रहा है यहां से निकल रहा है, ठीक है। उसमें छेपी अभिक्रिया भी ये है, तो ये अभी हो गया मेरे सोडियम के साथ, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट मेटल हम लेते हैं, नेक्स्ट मेटल में लेगा कैल्शियम, लेकिन जो कैल्शियम है वो बताया था कि सोडियम से कम है, कम रिएक्टिव है। अब देखते हैं कि कैल्शियम डाले, तो कैल्शियम डालने पे देखिए कि ये धीरे धीरे रिएक्ट कर रहा है ना, धीरे धीरे रिएक्ट कर रहा है कैल्शियम, और कैल्शियम धीमी भी क्रिया करती है और लेकिन ये हाइड्रोजन गैस भी बनती है, बनाती है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स
नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट मेटल के साथ, और नेक्स्ट मेटल क्या है मेरा मैग्नीशियम है। और आपको बताया था कि जो मैग्नीशियम है वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता लेकिन वो गर्म जल के साथ करता है। तो अभी अब देखिए कि ये कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है कोई भी रिएक्शन नहीं कर रहा है। तो अब इसे क्या करेंगे नेक्स्ट बदलेंगे, बदल कर देखेंगे क्या ये होता है। अब इसका जो टेम्परेचर के लिए 52 डिग्री से अनबाउंडेड डिग्री से अब मैग्नीशियम को डालते हैं, तो मैग्नीशियम के जैसे डाले वो अब बुलबुले बनना शुरू हो गया और बुलबुले के साथ ये मैग्नीशियम धातु के साथ चिपक जाते हैं जिससे ये मैग्नीशियम धातु के जल में तैरने लगता है। अब देख रहे हैं ये तैर रहा है, तो इस तरह से ये अभिक्रिया किया है मैग्नीशियम ने। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट मेटल के साथ, और नेक्स्ट मेटल मेरा है एल्यूमिनियम। क्या है एल्युमिनियम, और बताया था एल्युमिनियम आयरन और जिंक ये ना तो ठंडे जल के साथ ना ये गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो देखते हैं कि अभी देखिए ये कोई भी रिएक्शन नहीं कर रहा है। मैंने बताया था एल्युमिनियम आयरन और जिंक, भले मैंने यहाँ एल्युमिनियम लिया यहाँ पे एल्युमिनियम, लेकिन इन तीनों में से कोई नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन अब टेम्परेचर क्या कर दिया बढ़ा दिया, बाउंड डिग्री सेल्सियस कर दिया गर्म कर दिया। अब गर्म करने के बाद बच्चों देखिए ये क्या किया, कोई रिएक्शन कर रहा है नहीं कर रहा है। हाँ नहीं, यानी ठंडे जल के साथ नहीं गर्म जल किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। लेकिन अब अभी आपके एक एक्टिविटी भी है इसमें, जो ये ग्लास वुड ले लिया, यानी कि डिलीवरी वुड ले लिया, हाइड्रोजन वाटर है या बॉल ले लिया, अब सबको देखेंगे। और अब ने बताया था कि वाष्प के साथ ये रिएक्शन करता है, और भाप के साथ कैसे रिएक्शन करता है ये अब दिखाता हूं आपको। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो आपका ग्लास है इसमें से ये क्या कर रहा है, हीट यहाँ हो रहा है। अब ये नेक्स्ट मेटल में यहाँ ले लेता हूँ, अब गोल्ड के साथ, तो गोल्ड के साथ लेता हूं, तो गोल्ड के साथ ये क्या करता है, मैंने बताया था कि जो सोना चांदी प्लेटिनम लेड तांबा इत्यादि जो जल के साथ किसी भी स्थिति में अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए आप हॉट वाटर लीजिए कोल्ड वाटर लीजिए या भाप लीजिए कोई भी स्थिति में ये अभिक्रिया नहीं करता है। तो बच्चों ये उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल ये आप लोग को समझ आ गया होगा। ठीक है, धन्यवाद। अब आगे देखिए, मैंने बताया था कोई धातु सोना चांदी प्लेटिनम लेड तांबा आने की जल के किसी भी स्थिति में अभिक्रिया नहीं करती, उन्हें आपको अभी आपको प्रैक्टिकली वे में समझा दिया। अब आपका नेक्स्ट है आने की रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। अब एसिड के साथ बच्चों इसको रिएक्शन करवा के दिखाता हूं, आपको बताता हूं कि इसको कैसे ये होता है और कैसे नहीं होता है। तो अभी क्या है रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो सबसे पहले मेरा है ए नंबर में अन मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक आयरन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर इसका संगत लवण बनता है। जब मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर में, तो वहां पर भी ये सेम रिएक्शन वहां पर भी था, आपने ये शायद गौर किया होगा तो देखा भी होगा। तो धातु को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं तो संगत लवण बनता है। संगत लवण के मतलब क्या, जो मेटल होता है वो मेटल के साथ यहाँ पे वो उसके कोरस्पोंडिंग यहाँ बनता है लवण, और साथ ही साथ क्या हाइड्रोजन गैस का भी निर्माण होता है। तो सबसे पहले अगर मेटल की बात करो तो यहाँ पे मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक और आयरन लिया गया है और सभी को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करवाया गया। अगर मैं मैग्नीशियम लेता हूं तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है, अगर एल्युमिनियम तो एल्युमिनियम क्लोराइड, अगर जिंक है तो जिंक क्लोराइड, अगर आयरन है तो आयरन क्लोराइड, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस उसके कोरस्पोंडिंग निर्माण होता है। लेकिन बच्चों अब यहाँ पर अम्ल को मैं चेंज कर दे रहा हूं, अभी क्या लिया था यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया था ना, अब लेता हूँ सल्फ्यूरिक अम्ल। जब सल्फ्यूरिक अम्ल लूंगा तब क्या होता है वो आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैग्नीशियम जिंक एल्युमिनियम आयरन सब वही चीज है, बाकी सब यहाँ सल्फ्यूरिक। तो अब यहाँ देखिए कि मैग्नीशियम सल्फर ऑक्साइड एल्युमिनियम सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये सॉरी मैग्नीशियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट जिंक सल्फेट फेरस सल्फेट, तो ये सब आपके निर्माण हो रहे हैं, और साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी क्या हो रहा है उनका निर्माण हो रहा है। तो अब यहाँ आपको मैं इसको दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा दिखाऊंगा। अब बच्चों यहाँ पे है आपका अब देखिये हैलोजन, हैलोजन के ग्रुप में आता है आपका फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये सब आते हैं और ये सब अपने ही कोरस्पॉन्डिंग में ये हैलाइड लवण का निर्माण करते हैं, यानी कि हैलोजन है तो हैलाइड लवण का निर्माण करते हैं। और तो अब दिखाता हूं आपको सोडियम है, सोडियम को क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है, इस तरह कैल्शियम है तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है, लिथियम है तो लिथियम क्लोराइड का निर्माण होता है। लेकिन अब ये आपको ये थ्योरेटिकल बात हुआ, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली ये कैसे होता है वो आपको प्रैक्टिकल वे में आपको समझाता हूँ। आप मेरे साथ बने रहें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मेरा ये हौसला बना रहे और आपको मैं ज्यादा से ज्यादा इसी तरह से वीडियो प्रैक्टिकल वे में आपको देता रहूं। अब स्टूडेंट्स आप यहां देख रहे हैं कि जो मेटल मैंने यहां पे लिया है और इसमें मैं सबसे पहले HCl लूंगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसमें जो अभी मैंने
मेटल के लिए सिलेक्ट किया है वो आपका है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और कॉपर, ठीक है। और इन सब के साथ देखते हैं रिएक्शन करवाने के बाद ये कैसा रिएक्ट करता है, क्योंकि आपने अभी थ्योरी पढ़ा है, उस थ्योरी को प्रैक्टिकली वे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप मेरे साथ बने रहें और देखिए अब, ठीक है। अब ये है, मैंने आपको बताया कि जो मैंने मेटल लिया वो क्या क्या लिया है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और कॉपर। सबसे पहले वन बाय वन मैग्नीशियम को, मैग्नीशियम को अब जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला, देखिए टेम्परेचर राजकरण 30, 31, 32, और देखिए बुलबुला भी बनता जा रहा है, मतलब हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है निकल रहा है, यहाँ हाइड्रोजन गैस निकल रहा है और ये टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़कर अभी 51, 52, 53 ये राज करता चला जा रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूं बच्चों ये बिल्कुल आपको समझ आ रहा होगा। अब दूसरे नंबर में डालते हैं यहां पे आपका एल्युमिनियम, जैसे एल्युमिनियम डालेंगे तो अब इसका जो टेम्परेचर है वो देखिए इसके भी टेम्परेचर धीरे धीरे राइज कर रहा है, देखिए 31, 32 और ये इसमें क्या हो रहा है बुलबुला भी बना, मतलब हाइड्रोजन गैस यहां क्या कर रहा है निकल रहा है, देखिए टेम्परेचर धीरे धीरे राइज कर रहा है, ठीक है। इसके मतलब ये समझ रहे हैं कि ये रिएक्ट कैसे कर पाता है, और ये टेम्परेचर धीरे धीरे ये राइज करता जा रहा है एल्युमिनियम के केस में, और साथ ही से उष्मा भी क्या कर रहा है निकल रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं जिंक के साथ, तो जिंक क्या हो रहा है जनन के साथ ये बुलबुला बन रहा है और टेम्परेचर इसमें भी धीरे धीरे राइज कर रहा है और ये उष्मा भी निकल रहा है, मतलब इसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी आप बोल सकते हो। तो इस तरह से अभिक्रिया करता है स्टूडेंट्स, तो ये आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो। लेव नहीं गए तो लेव तो आप मजा यहीं पे ले सकते हो। अब देखिए कॉपर, जो कॉपर है वो सक्रियता श्रेणी में वो हाइड्रोजन से नीचे होता है, इसलिए कोई रिएक्ट नहीं करेगा, और सक्रियता श्रेणी में आने की एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे वाले जो धातु हैं वो कॉपर है, सोना है, चांदी है, प्लेटिनम इत्यादि ये सब होते हैं, और ये सब कभी भी एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। यानी कि कॉपर सोना चांदी प्लेटिनम बच्चों ये सब हाइड्रोजन से नीचे वाले धातु हैं, और ये कॉपर कभी भी यानी कि एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। तो ये आपने प्रैक्टिकली वैसे भी आपने देख लिया, तो उम्मीद करता हूं कि ये बिल्कुल आपको समझ आ गया होगा, और ये आप रिएक्शन भी यहां पे देख सकते हो, ठीक है। गोल्ड एंड सिल्वर डोंट रिएक्ट विद एसिड, और इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल थे मैंने आपको बताकर और समझा भी दिया। उम्मीद करता हूं कि ये बिल्कुल आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद। तो बच्चों अब आप ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सभी तक पहुंचाएं, क्योंकि काफी इसमें मेहनत लगती है मुझे पूरे शूट करने में, और आप लोग मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो आप तक पहुंचता रहे, पहुंचाने का काम मेरा चलता ही रहे। धन्यवाद।